एवरीवन, कैसे आप सभी। तो मैं अंकिता, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंकिता की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन बचा हुआ है जाने के लिए, तो पैकिंग का काम बहुत सारा बचा हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना आज से शानवी के नाम की ही पैकिंग पहले शुरू कर दी जाए, क्योंकि शानवी का बैग पहले पैक कर देते हैं, उसके बाद मैं अपना, देन ये अपना करेंगे, क्योंकि अभी इनका 1-2 ड्रेस है जो फाइनल नहीं हुआ है। तो मैंने अभी बेड ओपन किया हो रहा है, ट्यूशन से आने के बाद हार्ट गए, हार्ट आने के बाद मैंने अभी जस्ट बेड ओपन किया है और इन्होंने मेरी हेल्प की और हमने अभी ये सारा लगेज निकाल लिया है। तो अभी इनमें से हमें देखना है कि क्या क्या हमें क्या क्या वेयर करने वाले हैं किस फंक्शन के लिए। तो उसमें मैं करने वाली हूँ शानवी का बैग पैक, इसमें करने वाली हूँ अपना। तो अभी बस वही सामान सारा बिखरा पड़ा है, देखिए ज़रा। सोच रही हूँ चलिए मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ, पहले अच्छे से देख लूँ कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंग पैक करने वाली हूँ। तो देखिए हमारी गोवा की ट्रिप कैसे रहने वाली थी, अभी शुरुआत हमारी हो गई है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग और ये बॉक्स वगैरह जो है कपड़ों के वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि उससे जो है स्पेस ज़्यादा जाता है। तो ये कुछ ड्रेसेस को इसी तरीके से पैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शानवी के ड्रेसेस पैक कर रही हूँ, उसका सामान ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हो गई है, तो बस उसका पैक करने से हम लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ कुछ ये फ्रॉक्स वगैरह है, इनमें जो फ्रिल वगैरह बहुत ज़्यादा वर्क है, तो वो इतना फूली हो रखा है ना, तो उनको पैक करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, बट मैं कर लेती हूँ अच्छे से उनको मैनेज। और आज शानवी का पैकअप करने के बाद कल हम लोग जाने वाले हैं ब्यूटी पार्लर, तो मुझे भी थोड़ा सा अपना हेयर कटिंग वगैरह करवाना है, शानवी को भी पार्लर वगैरह ले जाना है। तो यहाँ इसका हल्दी का यूनिफॉर्म वगैरह उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, क्या ये ट्रेन में वेयर करने वाली है क्या वो नहीं करने वाली है। यहाँ पर तो सर्दी रहेगी लेकिन वहाँ सर्दी नहीं है, तो बस यहीं के लिए हम लोग को थोड़ा सा विंटर वाला क्लोथ चाहिए रहेगा, वहाँ जाके तो गर्मी से ही हम बेहाल होने वाले हैं। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैकिंग कर लेते हैं, फिर लास्ट में दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्या रहा हम लोगों का पैकिंग। तो भाई शानवी का तो बैग हो गया पैक, अब मैं अपने ड्रेसेस पैक कर रही हूँ। तो बस मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ कि कैसे सबसे पहले जैसा फंक्शन रहेगा हमारा हल्दी का, तो मैं जो हल्दी का फंक्शन का ड्रेस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगी। तो मैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही रख रही हूँ कि जाते से हम लोग को होटल में चेकिंग जब करें तो हम लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़े, तुरंत अपना ड्रेसेस निकालते चलें और रेडी होते जाएँ। तो आप भी जब भी इस तरीके से पैकिंग करें तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ही करें कि कौन सी ड्रेस की जरूरत हमें कब पड़ने वाली है। तो बस हमारे बैग पैक ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो चलिए अब सीधे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो भाई बैग तो हो गए थे पैक और अब हम लोग हो गए अगला दिन और हम लोग निकल गए हैं पार्लर के लिए। तो शानवी के मैंने यहाँ पे हेयर वॉश करा दी थे, तो मैडम आ गई हैं पार्लर में, तो उनकी हम लोग करा रहे हैं बालों की कटिंग। हाँ, मैंने इसको करवाया है यू शेप कटिंग, जिससे बाल इसके थोड़े से अच्छे लगें जब मैं ओपन कर दूँ। तो मैम इतनी खुश हो रही है क्योंकि पहली बार आके पार्लर में कटिंग होने वाली है इनकी। अभी तक मैं ना इसकी हेयर कटिंग लंबे समय से करवाई नहीं है, जब छोटी थी तो ये करवा लाते थे और 1-2 बार तो इसके पापा ने ही हेयर कटिंग कर दी है। तो पहली बार पार्लर में आई है कटिंग करवाने, जब से बड़ी हुई है। अभी तक इसके ना बाल बड़े करने के चक्कर में ना कटिंग ही नहीं करवाई थी, तो बस ये बहुत खुश है। ये वीडियो उसके भी नेक्स्ट डे का है, जब हम लोग का सामान बिल्कुल पैकअप था और हम लोग निकलने वाले हैं ग्वालियर के लिए, क्योंकि हम लोग का जो बस है 2 बजे का है, उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। वहां चल के हमें करनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो आई होप आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा।